हम रोज के खाने में काफी अलग इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करते हैं, पर कुछ फूड इंग्रेडिएंट्स बहुत ज्यादा महंगे होते हैं। इतने महंगे होते हैं कि आम इंसान उन चीजों को रोज इस्तेमाल नहीं कर सकता। अब इन इंग्रेडिएंट्स के महंगे होने की वजह क्या हो सकती है? कुछ चीजें महंगी तभी होती है जब उसे बनाने में काफी समय लगता है, या फिर उस चीज को बनाने काफी मुश्किल होता है, तब कोई चीज बहुत महंगी बेची जाती है। इस बात का सबसे अच्छा उदाहरण है केसर। केसर के 2-3 स्ट्राइप्स बनाना भी काफी मुश्किल काम होता है। केसर सैफ्रन क्रोकस फ्लावर से बनाया जाता है और एक फूल में सिर्फ 3 स्ट्राइप्स होते हैं जो फूल मुरझाने से पहले निकालना होता है। उसके बाद फूल में से एक एक स्ट्रिप को काफी सावधानी से निकालना होता है। फिर उस पे और भी प्रक्रिया की जाती है, तब 50 से 60 फूल से 1 टेबलस्पून जितना केसर मिलता है। मतलब सोचे कि कितनी अधिक मेहनत है केसर को बनाने में, इसीलिए थोड़ी सी क्वांटिटी में भी केसर काफी महंगा मिलता है। ऐसे ही एक सबसे एक्सपेंसिव चीज के बारे में आज के इस वीडियो में हम देखेंगे, और वो है पिंक हिमालयन सॉल्ट, जो रोज के खाने में इस्तेमाल किए जाने वाले सॉल्ट से काफी महंगा मिलता है। अब ये पिंक सॉल्ट रेगुलर सॉल्ट से महंगा है तो इसकी कोई वजह तो होगी। जैसे हमने केसर के बारे में देखा, तो अब जानते हैं कि पिंक सॉल्ट एक्सपेंसिव होने की वजह क्या है। लेकिन अब शुरू करने से पहले हमारे चैनल से लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारी चैनल आस्काई गुरु को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्योरेस्ट सॉल्ट इन वर्ल्ड। पिंक सॉल्ट दिखने में भी क्रिस्टल जैसा क्लियर होता है और इसके कई सारे हेल्थ बेनिफिट्स भी होते हैं जो रेगुलर सॉल्ट में नहीं मिलते हैं। इसकी खास वजह है कि पिंक सॉल्ट वर्ल्ड में सबसे प्योरेस्ट सॉल्ट है, इसीलिए वो क्रिस्टल जैसा दिखता है। जहाँ पे पिंक हिमालयन सॉल्ट की माइनिंग की जाती है, वहाँ लोग इसे व्हाइट गोल्ड भी कहते हैं। अब ये वर्ल्ड में सबसे प्योरेस्ट सॉल्ट है, इसका एग्जैक्ट मतलब क्या है? जो हम रेगुलर टेबल सॉल्ट इस्तेमाल करते हैं वो रॉक सॉल्ट से निकल जाता है, या फिर सी वाटर में से पानी को इवेपोरेट करके सॉल्ट जमा करते हैं। और जब सी वाटर से सॉल्ट को अलग करते हैं तो उसमें कुछ दूषित घातक रह जाते हैं। रॉक सॉल्ट में से सॉल्ट निकलता है तब उसमें भी कुछ केमिकल्स और मिनरल्स रह जाते हैं। हालांकि इन सॉल्ट को फैक्ट्री में प्यूरिफाई किया जाता है, पर पिंक सॉल्ट इस रेगुलर सॉल्ट से काफी अलग होता है। ये सॉल्ट क्रिस्टलाइज्ड सी सॉल्ट बेड से मिलता है, जो अंडरग्राउंड में काफी गहराई में रहता है, जो लावा और बर्फ से ढके हुए रहते हैं। ये सी सॉल्ट बेड्स जमीन की गहराई में 200 मिलियन साल तक रहते हैं, और उसके ऊपर जो लावा और बर्फ के लेयर्स होते हैं वो उससे सुरक्षित रूप में रखते हैं। पिंक सॉल्ट निकलने में उसकी उपकरण का इस्तेमाल नहीं किया जाता। अंडरग्राउंड में जाके सॉल्ट को हाथ से निकालते हैं। वर्कर्स ये काम 8 घंटे और 6 दिनों के लिए करते हैं। फिर उस पे कोई प्रोसेसिंग भी नहीं की जाती है, जिस कारण ये एकदम शुद्ध रहता है। ये एक वजह है कि पिंक सॉल्ट सबसे महंगा मिलता है। दूसरी वजह है कि पिंक सॉल्ट कुछ ही जगह पे मिलता है। ये सॉल्ट बनने में 200 मिलियन साल लगते हैं। मतलब सोचिए कि कितनी कम क्वांटिटी में पिंक सॉल्ट मिलता होगा। ये सॉल्ट काफी महंगा और रेयरली मिलता है, क्योंकि सिर्फ 6 माइंस हैं जहां वर्कर्स हाथ से सॉल्ट निकालते हैं। उसमें से सिर्फ एक लार्जेस्ट माइन के क्वीरा, जहां पे 6.7 बिलियन टन्स ऑफ पिंक सॉल्ट मिलता है। लेकिन इतना सॉल्ट फॉर्मेशन में भी काफी साल लगते हैं। ये वजह है कि पिंक हिमालयन सॉल्ट काफी एक्सपेंसिव प्राइस पे मिलता है। ये सॉल्ट बनने में 200 मिलियन साल लगते हैं, जिस कारण ये मार्केट में महंगी प्राइस पे बेचते हैं। पर ये रेगुलर सॉल्ट से शुद्ध होने के कारण इसकी काफी हेल्थ बेनिफिट्स भी है, जिस कारण लोग इसे एक्सपेंसिव होने पर भी खरीदते हैं। इस पिंक सॉल्ट की विशेषता के कारण ये मार्केट में भी एक लग्जरी आइटम जैसा बेचा जाता है। तो अब आपके क्या व्यूज है ये वीडियो पे, वो हमें कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगले वीडियो तक के लिए अलविदा दोस्तों, धन्यवाद।